हेलो एवरीवन। तो अगर आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहा है, अगर आपका मार्क एक जगह पे जाकर रुक गया है या फिर बहुत ज़्यादा डेविएशन हो रहा है, कभी बहुत अच्छा मार्क्स आ जा रहा है, कभी अचानक से बहुत कम जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो, एक कंसिस्टेंट रख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले ये मैं आपको बता दूँ कि मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, SSC CGL का, CHSL का, CPO का, तो मॉक टेस्ट आप रेगुलरली उसका लगाओ। आपका मार्क्स चाहे जो भी आए, आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट जैसे जैसे लगाते जाओ, अपने आप को इंप्रूव करते जाओ कि कैसे मैं अपने मार्क्स को इंप्रूव करूं। ठीक है, तो उसके लिए मैं चीजें तो आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले यह है कि मॉक टेस्ट कब से आपको लगाना चाहिए। तो मॉक टेस्ट आप जब तैयारी कर रहे हो ना, तभी से स्टार्ट कर दो। स्टार्टिंग में क्या होगा कि मॉक टेस्ट की संख्या आप कम रखना, वीक में 2 मॉक्स लगा लिए सफिशियंट है। लेकिन जैसे जैसे करके आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाए, नंबर ऑफ मॉक्स को आपको बढ़ाते जाना है। जैसे 50% अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो वीक में 2 लगाएं, 100% जब सिलेबस होने वाला है तब आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है। स्टार्टिंग में मार्क्स को जज नहीं करना कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, स्टार्टिंग में आपको ये सोचना है कि जो जो चैप्टर में पढ़ चुका हूँ उसके क्वेश्चन कम से कम मेरे से बन रहे हैं कि नहीं, और इधर उधर के और भी क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करने, क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने की कोशिश करो मॉक टेस्ट। ठीक है, और एक सजेशन और मैं दूंगा कि स्टार्टिंग में आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट मत दो, स्टार्टिंग में आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट दो आप। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के जो बुक्स होते हैं ना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए उनका बुक्स ले आओ, और स्टार्टिंग में आप करो एक एक जो मॉक है आप बुक से लगाओ। टाइम आपका 1 घंटा, 1.5 घंटे टाइम लगाओ, लेकिन सारे क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश करो। लोग ये गलती करते हैं कि स्टार्टिंग से ही ऑनलाइन मॉक टेस्ट में चले जाते हैं, जो कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड आपके लिए हो जाता है। ठीक है, आपका टाइम भी घटते जाता है, ऑनलाइन चीज़ें भी होती है, आपको टाइम भी नहीं मिल पाता है, मतलब बहुत सारा हैप हैजार्ड हो जाता है, आप नर्वस हो जाते हो। तो स्टार्टिंग में मैं बोलूँगा कि 10-15 मॉक टेस्ट आप ना प्रीवियस ईयर का जो बुक होता है उससे दे करके स्टार्ट करो। ठीक है, उसके बाद जैसे आप कंफर्टेबल हो जाओ उसके बाद ना आप ऑनलाइन में स्विच कर सकते हो, और ऑनलाइन में भी कहाँ से दे सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन का। उसमें मैं बोलूँगा कि आप टेस्ट बुक यूज कर सकते हो, टेस्ट बुक का प्लेटफॉर्म अच्छा है। जो लाइव मॉक है उसके लिए आप ओलिव बोर्ड भी दे सकते हो, और बाकी अदर प्लेटफॉर्म भी है जहाँ से आप दे सकते हो, लेकिन एक बेस जरूर रखना है कि इससे रेगुलर मॉक टेस्ट देने, तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि टेस्ट बुक से आप दे सकते हो, क्योंकि टेस्ट बुक का ना एनालिसिस वगैरह जो होता है वो बहुत प्रॉपर होता है, अच्छे से होता है, और काफ़ी पुराने टाइम से आ रहा है, तो ये इसका जो क्वेश्चन का वैरायटी है बहुत ज़्यादा है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होते हैं, नॉर्मल मॉक भी होता है, लाइव मॉक भी होता है, तो आप टेस्ट बुक से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और अगर आप टॉपर कूपन कोड यूज करोगे तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि मार्क्स को कैसे इंप्रूव करें। भाई अब मार्क्स हम जो दे रहे हैं उसमें मार्क्स एक जगह पर रुक गया, तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि मॉक टेस्ट लगाओगे तो मार्क्स में वेरिएशन होगा ही होगा, कभी अप जाएगा कभी डाउन जाएगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंट होकर के मॉक टेस्ट लगाते रहने। अब अप और डाउन जाने का क्या होता है, मार्क्स लो और ज्यादा होने का रीजन ये होता है, कभी कभी क्वेश्चंस का लेवल ज्यादा होता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट में आ जाता है जो आपको आता है, जो आप पढ़े होते हो और वही क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए ऐसा होता है। लेकिन इसका एक ही उपाय है कि आपको रेगुलर मॉक लगाते जाने, और साथ में अगर आपको मार्क्स अपने इंप्रूव करना है तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस पे आपको फोकस करना है। एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस का मतलब होता है एक बार जब 1 घंटे का मॉक आपने दे दिया तो उसके बाद सारे क्वेश्चंस को फिर से देखना है। ठीक है, तब आपका इंप्रूवमेंट होगा। और एक कॉपी रखनी है मार्क्स को ट्रैक करने के लिए, आप अपने मार्क्स को ट्रैक करना है कि मेरा टारगेट मार्क्स कितना है और मेरा कितना मार्क्स आ रहा है, और कितने मार्क्स मुझे, मतलब कि फीडबैक भी देना है कि आपको कैसे अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है। ठीक है, तो मेरे पास एक कॉपी था, मेरे पास एक डायरी था जिसमें कि मैं अपने मार्क्स को ट्रैक करता था कि मेरा मैथ्स में इतना आया है, इंग्लिश में इतना आया, रीजनिंग में इतना आया, जीके में इतना है, टोटल मेरा इतना आया, मेरा टारगेट इतना है, और मैं फीडबैक लिखता था कि मुझे कितना कितना मार्क्स लाना है। ठीक है, और उसके बाद जब एनालिसिस करता था तो मैं समझने की कोशिश करता था कि मेरी कहाँ कहाँ पे गलती हो रही है, तो मैं एनालिसिस के टाइम पे ही देखता था कि जैसे कि मेरा मैथ्स का कैलकुलेशन वीक है उसकी वजह से मेरा 2 क्वेश्चन नहीं बना है, मेरा इंग्लिश में वोकैब्स वीक है उसके कारण मेरा 2 क्वेश्चंस नहीं बने हैं, मेरा रीजनिंग में मेरा ये चैप्टर वीक है तो इसके कारण मेरा नहीं बना, और उन सब पे मैं वर्क करता था। मान लो मैंने एक चैप्टर पकड़ लिया, अरे यार मेरा रेगुलरली ना मैथ्स में मेरा अलजेब्रा का चैप्टर में क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने टारगेट बनाता था कि 15 दिन का टारगेट है, 10 दिन का टारगेट है, 10 दिन में अपने अलजेब्रा को तुम्हें इंप्रूव करना है, बाकी चीज़ें तो करनी है मैथ्स में लेकिन 10 दिन 1-1 घंटा देना और अलजेब्रा को इंप्रूव करना है। फिर उसके लिए मैं क्या करता था, अपने नोट्स कॉपी को सबसे पहले पढ़ता था, अलजेब्रा के क्वेश्चंस यूट्यूब से देखता था, उसके कुछ ट्रिक्स देखता था, रिवाइज करता था उसके फॉर्मूलाज को, फिर मैं देखता था कि हाँ अब इसके क्वेश्चन बनने लगे, और जितने भी मॉक पहले दे चुका हूँ उसके जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते थे सारे को मैं करता था। ठीक है,
तो आपको ये करना है, और मॉक एनालिसिस के समय अपने पास एक मॉक की कॉपी रखनी है, मॉक की कॉपी जिसमें कि आप अगर मैथ्स का एनालिसिस कर रहे हो एक एक क्वेश्चंस, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हो मैथ का सेक्शन में लिख लो, जो कॉपी होगी मॉक की उसमें लिख लो कि ये क्वेश्चन नहीं बना उसके सॉल्यूशन के साथ। मान लो आपके 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैथ्स में नहीं बने थे, 5 क्वेश्चंस को लिख लो, मॉक टेस्ट नंबर लिख लो और उसके 5 क्वेश्चंस लिख लो। इंग्लिश में जो जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं, वोकैब्स हो या फिर ग्रामर का कोई क्वेश्चन हो या फिर प्रीपोजिशन का कोई रूल हो, उसको इंग्लिश के सेक्शन में लिखना है। इसी तरह से रीजनिंग का और इसी तरह से जीके का एक मॉक की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद क्या करना, जब 4, 5, 10 मॉक लगा लो और उसके आपके पास अच्छा खासा क्वेश्चन है, तो रिवाइज भी बीच बीच में करते रहना कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे से नहीं बने, तो ऐसे प्रॉपर एनालिसिस होता है। प्लस साथ में मैं कुछ कुछ चीजें टिप्स मैं दूंगा इंप्रूवमेंट के लिए, जैसे कि मैं मैथ्स के इंप्रूवमेंट कर देता हूं। मैथ्स में इंप्रूवमेंट में देखो कौन कौन सी चीजें आप इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहला तो आपको इंप्रूव करना अपना कैलकुलेशन इंप्रूव करोगे आपका सारा चीज इंप्रूव हो जाएगा मैथ्स, ठीक है। तो रोज आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट टाइम दो कैलकुलेशन को, मेंटल मैथ करने पे, अपने कैलकुलेशन को प्रैक्टिस करने पे। कुछ कुछ ऐप्स आते हैं जिससे कि आप मैथ्स का कैलकुलेशन इंप्रूव कर सकते हो। यूट्यूब पे सर्च करोगे कैलकुलेशन का कुछ आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वो कर सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे काम करना है। दूसरा मैथ्स में क्या है, मैथ्स में आपको फॉर्मूलाज हमेशा रेगुलरली याद करते रहना है। अगर आपने 2 सेकंड भी ज्यादा लगाया फॉर्मूला को याद करने में तो समझो कि आप गड़बड़ कर रहे हो। आप जैसे ही सोचो आपको फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए आपका, या तो मेंसुरेशन का हो या फिर अलजेब्रा को या फिर किसी का भी हो, फॉर्मूला का एक कॉपी होना चाहिए आपके पास। नहीं है तो बना लो धीरे धीरे करके, अपना हर एक चैप्टर को रिवाइज करते हुए एक फॉर्मूला का कॉपी खुद से बना लो, जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, और उसको बीच बीच में रिवाइज करते रहो। अगर आपके पास कोई फॉर्मूला का कॉपी नहीं है तो मेरा फॉर्मूला कॉपी भी आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम गोल्डन एएसओ है, या फिर एक सरकारी बाबू करके ऐप है उस पर मैंने सारा फॉर्मूला का कॉपी अपना नोट्स कॉपी डाल दिया, वहां से कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका मैथ कैलकुलेशन पे काम करना है, आपको फॉर्मूलाज पे काम करना है। उसके बाद मैथ में जो काम करना होता है वो होता है कि क्वेश्चन पढ़ने का तरीका, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि एक बार क्वेश्चन पढ़ा समझ में नहीं आया, फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक आपका हर क्वेश्चन में 4-5 सेकंड ज्यादा चला गया। आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, जो भी चीज़ डाटा दिया हुआ आपका रफ कॉपी पे होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे तैसे बस दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ा एक डाटा कुछ लिखा हुआ है तुरंत कॉपी पे रफ कॉपी पे लिख लिए ये डाटा। एक बार पढ़ के ही क्वेश्चन को दोबारा नहीं पढ़ना है, सारा चीज़ें आपके रफ कॉपी पे हो जाना चाहिए, फिर वहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। रफ कॉपी को अच्छे से बनाना है। बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि इधर उधर लिख लिया उसके बाद पता ही नहीं चल रहा है कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे, तो रफ कॉपी में भी फेयर जैसा बनाना है, छोटा छोटा लिखना है, ठीक है, ताकि आपका कम टाइम लगे। रफ कॉपी को फोल्ड कर लो, सबसे पहले छोटा कर लो, मान लो ये इतना चौड़ा पेज है उसको हाफ कर लो पहले, ठीक है, और हाफ में छोटा छोटा लिखने की कोशिश करो सीक्वेंस वाइज, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपका छूट भी जाए ना तो बाद में अगर देखना चाहो तो वहां पे स्पेस छोड़ के रखना, बाद में वहीं से अपना कैलकुलेशन स्टार्ट कर सको, ठीक है। ये सब छोटा छोटा चीज मैटर करता है जो कि हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। और सिली मिस्टेक्स, अगर कोई सिली मिस्टेक आपसे हो रहा है तो उसको ध्यान में रखो बार बार, बहुत सारे जितने भी सिली मिस्टेक्स है ना उसको कहीं नोट डाउन कर लिखो कि ये मैं सिली मिस्टेक करता हूँ। क्वेश्चन कभी कभी क्या करते हैं लोग, आंसर को अच्छे से देखते नहीं है, टिक कर देते हैं, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, रेडियस पूछा होता है डायमीटर मार देते हैं, या फिर डायमीटर पूछा होता है रेडियस का आंसर मार देते हैं। तो ये सब छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती है जिसको आपको ध्यान में रखना होता है, तब जाकर के आपका मार्क्स इंप्रूव होता है। इंग्लिश में जनरली लोग कहाँ पे गलती करते हैं, इंग्लिश में वोकैब्स में गलती करते हैं, ग्रामर के रूल्स में गलती करते हैं। तो आपको ग्रामर के रूल्स को बार बार आपको रटना होता है, याद नहीं हो रहा रटो आप उसको समझो। रीडिंग डालने से सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा आपका इंग्लिश में। इंग्लिश में अगर इंप्रूव करना तो रोज रीडिंग डालना शुरू करो, 4 पैसेजेस को सॉल्व करो, 4 क्लोज टेस्ट को सॉल्व करो, देखो आपका इंग्लिश कैसे इंप्रूव नहीं हो जाता है एक महीने में। और रोज इंग्लिश का एक सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ अलग से, और ऐसे लगाओ कि बहुत अच्छे से हो जाए, 25 क्वेश्चन आपका एकदम याद हो जाए, ठीक है। तो ऐसे करना है। उसी तरह से देखो रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में इंप्रूव करना होता है, रीजनिंग में कुछ सेक्शंस होते हैं जो कि वीक होते हैं, तो उन सेक्शन पे काम करो, जैसे पजल्स वाले होते हैं, नंबर सीरीज वाले होते हैं, उस पे काम करो कि स्क्वायर क्यूब ये सब चीजें गेट बाय हार्ट करके रखो, याद करके रखो चीजें, ठीक है, तब चीजें होगी। जैसे पजल्स है, पजल्स जितना से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे पजल्स उतना ज्यादा आपके लिए इजी होगा। कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे आपका भिड़ेगा कम, क्योंकि पजल का तरीका होता है अलग अलग सीखने का, मतलब सॉल्व करने का। तो आप जितना तरह के पजल करके जाओगे उनमें से आने के चांसेस ज्यादा है कि उनमें से एक पजल आ गया उसी टाइप का और आपने कर लिया। तो पजल्स को प्रैक्टिस करो डेली, जो बाकी चैप्टर जो आता है जो चीजें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर उसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसमें आपको फंसता है जिसके क्वेश्चन नहीं बनते हैं उनका रेगुलरली आधे घंटे 15 मिनट यूट्यूब से वीडियो देख लो, कहीं कहीं से
पजल के क्वेश्चंस ले लो, प्रीवियस ईयर का बनाओ, लेकिन पजल्स को रेगुलरली, नंबर सीरीज को रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा जिसमें भी आपका दिक्कत है। और जीके में क्या करना है, जीके में देखो एक ही ऑप्शन है, जीके में है कि जितना मल्टीपल क्वेश्चंस जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, ठीक है। जब भी आपको टाइम मिल रहा है, आप खाना खा रहे हो, 20 क्वेश्चन आप कोई वेबसाइट पे या फिर कोई ऐप पे 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कर लिए, कहीं पे ऐसे बैठे हो, सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने ऐप पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी का जरूर रखो, डाउनलोड करोगे आपको मिल जाएगा, सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं ऐप स्टोर पर आप उसको रखो और बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, ये करना। और भी कुछ चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूँगा मॉक में मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, देखो एक तो है कि आप रेगुलर मॉक लगाते जाओ, चाहे आपका मार्क्स घटे चाहे कमे, आप रेगुलर मॉक लगाते जाओ, धीरे धीरे करके देखना कि आपका कर्व ऐसे करके ऊपर की तरफ ही जाता है, अप डाउन होगा लेकिन ऊपर की तरफ ही लंबे टाइम तक जाएगा वो कर्व, धीरे धीरे करके मार्क्स बढ़ते ही जाता है। छोड़ दिए जिस दिन सोचोगे कि पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट कर ले फिर करेंगे मॉक टेस्ट, तब आपका मार्क्स समझो कि नहीं इंप्रूव होने वाला है। एक चीज़ और मैं कुछ बताने वाला हूँ कि मॉक टेस्ट का सीक्वेंस जरूर डिसाइड करना है कि किस सीक्वेंस में मुझे क्या देना है, ठीक है, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीके, मतलब किस सीक्वेंस में। मेरा जो था सबसे पहले मैं करता था रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स, फिर जीके, बहुत सारे लोगों का अलग सीक्वेंस होता, तो अपने हिसाब से एक सीक्वेंस सेट कर दो और सारे सेक्शन का टाइम सेट कर दो कि मुझे मैथ इतना ही टाइम में सॉल्व करना है, इंग्लिश मुझे इतना ही टाइम में करना है, जीके इतना ही टाइम में करना है, इंग्लिश इतना ही टाइम में करना है, उसी के हिसाब से हर मॉक टेस्ट को लगाओ। और किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं स्किपिंग नहीं जाते, आर्ट ऑफ स्किपिंग, कोई क्वेश्चन अगर टफ है तो उसको छोड़ करके इजी क्वेश्चन पे जाओ यार, 100 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, आप एक क्वेश्चन में 3-4 मिनट लगा दोगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप नर्वस हो जाओगे और बाकी के क्वेश्चन आते हुए भी आप बिगाड़ दोगे, तो उससे अच्छा है कि जो भी अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तुरंत स्किप करो, अरे ये बनने वाला नहीं है, इसको मैंने देखा नहीं है, वो निकालो, माइंड से निकाल के अगले क्वेश्चन पे जाओ, जो क्वेश्चन बन रहा है उसको बनाओ, ठीक है। और 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन नहीं बनाने होते, 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन भी अगर आप सही बना दोगे तो आपका समझो कि बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, तो 100 के 100 क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं होती है आपको, ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। और मॉक का प्रैक्टिस जरूर करना है, रेगुलर मॉक लगाओ, जितना मॉक लगाओगे उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा एग्जाम में। अगर मॉक लगाना छोड़ दिए, अगर 40-50 मॉक टेस्ट में आप सिमट गए एग्जाम से पहले, तो समझो आपका सिलेक्शन ना के बराबर है। अगर आपने 150-200 मॉक टेस्ट लगा दिए तब समझो कि आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो टारगेट आपको रखना है कि 150 मॉक टेस्ट आप कम से कम लगा लो एग्जाम से पहले, ठीक है। तो यही था आपके लिए बस सॉल्यूशन, रेगुलर मॉक लगाते जाओ, उसका अच्छे से एनालिसिस करो, मॉक की कॉपी बनाओ, मॉक की कॉपी बार बार देखते जाओ, और जो भी चैप्टर आपको वीक लगे उसको इम्प्रूव करो, छोटे छोटे मिस्टेक्स को फीडबैक दो खुद से एनालिसिस करने के बाद कि कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं बस इतना बोलूँगा कि रेगुलर मॉक लगाते जाओ, कोई एक प्लेटफॉर्म से कहीं से भी पर लगाते जाओ, और जो भी चीज़ें दिक्कत आई खुद में इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है, और अपना टारगेट मार्क्स तक अचीव करने की कोशिश करो, धीरे धीरे करके आप देखोगे कि आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।